बच्चों कैसे हैं आप सब। शास्त्री द्वितीय खंड की कक्षा लेने जा रहा हूं और विगत कक्षा में हमने रामधारी सिंह की चर्चित कविता रश्मि रथी के बारे में जिक्र किया था। तो पिछली कक्षा में हमने रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय और रश्मि रथी से जुड़ी कुछ बातें जानी थी हमने कि इसकी कथा वस्तु मुख्य रूप से क्या है। तो आज से हम एक एक सर करके उस कविता का काव्य पाठ करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सर्ग से। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास, अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी जन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में नीरत सदा निज कर मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते बेपुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जल पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से यह क्या हो रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश भी अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया मैं उसे दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। सब प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई सबकी आंखें चंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की ढंकार। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध से के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति,
कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं हैं जग में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सहसा हो तो कहो ग्लानी से मत रह जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मन्य शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए पहले तुम्हें कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सम सचमुच सूर्य समान। मूल जानना है बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र का क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो पर स्वपच चमार मलिन, मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुले सुकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पण करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में गुरु दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा माने कृतज्ञता के भर के उसे भुजा से। दुर्योधन ने लगा हृदय कर कहा, बंधु हो शांत, मेरे एक क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने दिया है जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा धाम। कृपा करें दिन मान की होऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती है पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुल्ला पुलका कुल कल कल से। विनयपूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और कुछ नहीं छुपा के, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस प्रकार चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। मरे वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो,
जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी ये क्या है, तुम लोगों के बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मूद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन के लिए हुए द्रोण, कहते पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। तो कुल मिला के हमने आज चार सर्ग कंप्लीट किया है, और रश्मिरथी एक ओजपूर्ण कविता है, वीरता वीररस से भरी हुई कविता है, और इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के पक्ष में लिखा था। और आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी जो बोली है बहुत आम बोलचाल की भाषा में इस कविता को लिखा गया है ताकि पाठकों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले पूरी कविता का पाठ वाचन करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ प्रश्न उत्तरी भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपका दिन शुभ हो।